हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। सो जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, जिनका भी, और वो अगर बीए के स्टूडेंट हैं, पार्ट वन के स्टूडेंट हैं, और अगर आपको पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, आपके सिलेबस के जैसे ही सिलेबस स्टार्ट है तो सिलेबस के ऊपर ही लिखा रहता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट में आपको पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है, तो बीए फर्स्ट ईयर में मेनली पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट बुक कौन सा होगा, सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और थोड़ा बताते भी हैं कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ओपी गावा सर का बहुत ही बेस्ट बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें क्या है कि बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, चाहे आपका वो स्टेट हो या कोई भी चीज़, पॉलिटिकल साइंस को किसको कहते हैं, पॉलिटिक्स किसको कहते हैं। और सबसे अच्छा बात है कि बहुत अच्छे से थिंकर को कोटेशन करके इस बुक को लिखा गया है। ठीक है, न्यू एक कोई वीडियो में हम आपको ये बुक दिखा देंगे कि ये बुक है कैसा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है अगर आपको पॉलिटिकल थ्योरी, चाहे आप बीए में पढ़ रहे हो या एमए में पढ़ रहे हो या यूजी सीनेट में पढ़ रहे हो, कहीं भी आपको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है तो ओपी गावा का बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। यही बुक हिंदी वाले विद्यार्थी के लिए भी आता है, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, ओम प्रकाश गावा यानी कि ओपी गावा सर का ये बुक है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। तो इसलिए परेशान नहीं होना है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है कि उनको अच्छी बुक नहीं है, बिल्कुल है, ये सर की बुक काफ़ी अच्छी है हिंदी में। ठीक है, आप कहीं से भी लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बुक तभी आप लोग लीजिएगा जब आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, अब देखिए दूसरा होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या करना होता है कि जैसे जैसे इंडिया का कंपेयर मतलब होता है कि दो चीज़ों का कंपेयर करना, यानी कि इंडिया के पार्लियामेंट का कंपेयर हम कर रहे हैं अमेरिका के कांग्रेस से। अब कांग्रेस मतलब, ये पॉलिटिकल साइंस के ही स्टूडेंट को पता है कि जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट होता है, लोकसभा राज्यसभा होता है, अमेरिका में भी कांग्रेस होता है, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और द सीनेट, वैसे ही होता है ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। तो ये सब को कहते हैं कंपेयर करना पॉलिटिक्स। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर का जो पावर है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से कैसे डिफरेंट है, कैसे सिमिलर है, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से कंपेयर करके इस बुक में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं जो हिंदी मीडियम के हैं। सॉरी, जो हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम में भी ये बुक है, और इंग्लिश मीडियम के लिए स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश मीडियम में भी ये बुक है। ठीक है, तो देखिए ये हिंदी में मीडियम में भी किताब है, तुलनात्मक राजनीति, जेसी जौहरी सर का। तो देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो दोनों बुक में, यानी कि हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट का कंप्लेन रहता है कि अच्छी बुक नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये किताब मौजूद है। तो जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हो कृपया करके लीजिएगा। जो स्टूडेंट सिर्फ थोड़ा सा मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड एक या दो दिन के लिए पढ़ना चाहते हैं, कृपया करके 300-400 रुपये बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले के लिए सब बुक नहीं है, अभी बताया जा रहा है, क्योंकि आपके पास वन ईयर है कि अच्छे से पढ़िए। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो, क्योंकि बुक से रिलेटेड बहुत सारे डाउट होते हैं कि कौन सा बुक लेना है, कौन सा बुक नहीं लेना है। ठीक है, और अगर चैनल हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ विजिट टारगेट मिशन, बहुत सारे आपको ऑनर्स से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।